है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। राज्य का दर्जा बहाल पानी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार है, जो सरकार निकम्मी है इस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस। जम्मू कश्मीर के नागरिक है। 5 तारीख को जो फैसला लिया गया था जम्मू कश्मीर के लिए, जो सेंटर की सरकार ने लिया था और कहा था कि यहाँ का जो स्वर्ण काल जो है उसके बाद आएगा, जम्मू कश्मीर रियासत को यूटी में बदल दिया गया, उसी को लेके आज यहाँ पे हम प्रदर्शन कर रहे हैं कि पिछले 5 साल से हमें हर बार ये आश्वासन दिया गया कि जल्द ही रियासत का दर्जा जो है बहाल किया जाएगा, लेकिन देखने वाली बात यह है कि पिछले 5 साल में जो बर्बादी जम्मू कश्मीर को लेके हुई है वो मुझे नहीं लगता कि जिस तरीके से ये रियासत की बातें कर रहे थे हमें कि यूटी से जम्मू कश्मीर की रियासत का दर्जा जल्दी वापस दिया जाएगा, इनकी कोई मंशा लग नहीं रही, इसीलिए हम प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं। 5 अगस्त जो है जम्मू कश्मीर के लिए एक ब्लैक डे की तरह है और इसे हम तब तक मनाएंगे जब तक रियासत का दर्जा जो है बहाल नहीं होता। भाजपा ने जो वादे किए थे कि कहा गया था कि यूटी इसलिए बनाया गया है कि यहाँ पे विकास होगा, लेकिन हम ये पूछना चाहते हैं भाजपा के लोगों से जो यहाँ यूटी दिवस मना रहे हैं, हम ये पूछते हैं कि किस तरीके से यूटी दिवस मना रहे हैं? क्या जम्मू कश्मीर के लोग जो बेरोजगार हुए हैं उसको ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, या यहाँ पे जो स्मार्ट मीटर लगे हैं जिससे यहाँ के गरीब जनता जो है जो परेशान हो रही है उसको लेकर ये यूटी दिवस सेलिब्रेट कर रहे हैं? या फिर मैं ये पूछना चाहता हूं कि जम्मू कश्मीर में जो ड्रग्स इतना बढ़ता जा रहा है उसको लेकर भाजपा के लोग यहाँ यूटी दिवस मना रहे हैं? हम 5 अगस्त को हर बार जब तक हमें रियासत का दर्जा नहीं मिलता ब्लैक डे के रूप में मनाएंगे, और इसी कड़ी में आज भी यहाँ हम कठुआ में इकट्ठे हुए हैं। हमारी मांग है कि जल्द से जल्द स्टेटहुड का दर्जा जो है वापस होना चाहिए और चुनावों से पहले होना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने हमें कहा था कि बहुत जल्दी जो है आपको स्टेटहुड वापस मिलने जा रही है, लेकिन लगता नहीं है हमें कि ऐसा कुछ है। किस तरह से देखते हैं कि प्रधानमंत्री एक तरफ बोलते हैं कि आप लोग तैयार रहिए, स्टेटहुड मिल रही है, और साथ ही सारी पावर्स जो है वो एलजी को दे दी जाती है, जम्मू कश्मीर को और कमजोर किया जाता है? देखिए, सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शन है, इन्हें पता है कि चुनाव करवाने पड़ेंगे, और इन्हें यह भी पता है कि जम्मू कश्मीर के जो लोग हैं वो भाजपा को नकार चुके हैं, इसीलिए जो है ये साफ दर्शाता है कि जो यूटी की जो पावर्स थी वो सारी पावर्स जो है वो गवर्नर साहब एलजी साहब को दे दी गई हैं, वो खुद हार मान चुके हैं, इसीलिए उन्होंने पावर जो है सारी की सारी जो है एलजी साहब को दे दी है। हम उसकी भी डिमांड करते हैं इलेक्शन से पहले पहले ये वापस पावर जो है चीफ मिनिस्टर के पास होनी चाहिए, ताकि जो आने वाले दिनों में चुनाव हो डेमोक्रेटिक वे से जो इलेक्शन हो जिसमें जो चुनके आए वो चीफ मिनिस्टर हो या मंत्री हो या एमएलए हो, वो अपनी पावर्स को यूटिलाइज करके वहाँ जो भी मसले मसाइल जम्मू कश्मीर के पिछले 10 साल से बर्बादी हुई है उसको खत्म करने का। आज आप देख लो 24 घंटे में से सिर्फ 6 घंटे लाइट हमें मिलती है और बिल 20-20 हजार 25-25 हजार हम लोगों को मिलता है। इस ड्यूटी में आपने आगे ही मुकाम हम मिडिल क्लास आदमी का काम खत्म कर दिया है, तो हम ये बिल कहाँ से देंगे? मैं आपको पूछना चाहता हूँ, इस यूथ का आपने बेड़ा गर्क कर दिया। 2019 से पहले 4th class ही से ही हमें नौकरियां मिलती थी, हमारा यूथ पढ़ने में इंटरेस्टेड होता था कि हम पढ़ेंगे और नौकरी करेंगे, पर आज का माहौल आप देख लो, नौकरी ये दे नहीं रहे, दे रहे हैं तो सिर्फ चिट्टा इसलिए दे रहे हैं कि ये नौकरी यूथ जो है हमारा नौकरी नहीं मांगे। मैं साफ कहता हूँ, इस 370 संसद में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने बोला था 370 तोड़ के मैंने उग्रवाद सब खत्म कर दिया है, नोटबंदी करके मैंने उग्रवादियों की पीठ तोड़ दी है, पर मैं आज पूछता हूँ, हमारे कश्मीर की तो बात छोड़ो,
हमारे जम्मू की बात आप सुना दो। आज हमारे 15 से 20 आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं वो अरेस्ट शहीद हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है उनकी शहादत का? कौन उन परिवारों के जो शहादत हमारे शहीद हमारे भाई हैं, कौन है उनके साथ? ये सरकार तो नहीं है, मैं आपको साफ कह देता हूँ। मैं उनको भी बात एक बोल देना चाहता हूँ, लेडीज को, उन्हें इलेक्शन में बड़ा मोदी 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 किया था, बड़ा मोदी मोदी किया था। आज आप लोगों पे मुसीबत आई है, आज आप बोला मोदी को आता है क्या? अगर कोई आपका साथ दे रहा है, ये कांग्रेस के वर्कर दे रहे हैं, कांग्रेस के लीडर दे रहे हैं, क्योंकि हमारी रियासत है ये, हमारे हमें ये विरासत में मिली थी, हमारी नौकरियां हमें विरासत में मिली थी कि बाहर का कोई भी आके हमारी जम्मू की नौकरियां न ले, हम कोई बाहर का आके हम जम्मू के लोगों की जमीनें ना ले। आज आप देख रहे हो सारा छुपी बिहार हमारे कठुआ में आ गया है। कौन जिम्मेदार है? सभा के इलेक्शन तो जीत गए, पता है आपको कैसे जीते हैं? इन्होंने बाहरी क्षेत्र से जो बाहरी स्टेट है वहां के वोटर कार्ड इन्होंने बनाए, उसकी वजह से ये जीते हैं। मैं आपको साहब को बोलता हूँ, यूथ परेशान हो चुका है, बहुत परेशान हो चुका है इस सरकार से। अब ये डिमांड करता है या तो नौकरियां दो या तो आप इस्तीफा दे दो। यूथ अब बहुत इकट्ठा हो चुका है, देश हम रोज इस सड़कों में उतरेंगे और इलेक्शन से पहले हम आपे हमें स्टेटहुड देनी ही पड़ेगी। हम लड़के लेंगे, कैसे भी लेंगे, पर जरूर लेंगे। जय हिंद, जय भारत। आज का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया, ये प्रदर्शन तां कीता कि अज का दिन जड़ा है वो ब्लैक डे घोषित किया गया है। 2019 अज दी ही दिन बीजेपी सरकार ने साडा स्टेटहुड का दर्जा साढ़े को खोई लिया। वो जिस दिन का उन्हें साडा स्टेटहुड का अहुदा खोता, साडे नौजवानों की नौकरियां, साडी जमीन, साडे लोगों कन्ने भेदभाव, वो सब कुछ उस दिन तो आज तक बढ़िया। ये साडा अज ये सारा यूथ सड़कों पर आया, इन्हें अपना रोज दसिया। ये हर साल अगर ये सरकार साडी स्टेटहुड सानू वापस नहीं देती है 5 अगस्त की, हर साल इं ही साडा यूथ दिन ब दिन बदग कटग नहीं। तो बीजेपी लगातार आखे कर रही है जम्मू कश्मीर में बड़ा विकास है, पता रोजगार के साधन साधन बड़े ज्यादा आए करते हैं, के दी क्योंकि यूथ है ठगा महसूस करे करता है। नहीं देखो, साधन कोई नहीं आया, साधन आया तो स्मार्ट मीटर आया, साधन आया तो माइनिंग माफिया आया, ये आए बाद तो बाद इन्हें सानू जिहड़ी चीज़ां सानू दित्तियां, एक इन्हें पुल दिता जरा कुछ ही देर बाद टुटिया, ना इन्हें कोई विकास दिता, ना कोई साडे मुड़ियां की नौकरी दिती, जो सिर्फ जुमलेबाजी की। बीजेपी सरकार एक झूठी सरकार है, आने वाले एम इलेक्शन च ये साडे नौजवान साडे बड़े सारा इन्हें मुँह तोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस की अपना सीएम बनाइए, इन्हें मुँह तोड़ जवाब मिलेगा।